बिहार की करेंगे, यूपी की भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल से नाइट कर्फ्यू के साथ 10वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। तो वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महानगरों को अपने शिकंजे में कसने के बाद कोरोना अब छोटे शहरों में कोहराम मचाने लगा है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाएं, कोरोना के खिलाफ सख्त नियमों की ढाल अनिवार्य हो गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। 24 घंटे में करीब 1000 कोरोना के नए मरीजों ने खतरे की घंटी बजा दी। ऐसे में सरकार भी अलर्ट हो गई है और नाइट कर्फ्यू लगाने से लेकर स्कूल बंद करने के फैसले सुनाई दिए हैं। साथ ही पाबंदियों की गाइडलाइन जारी कर दी गई। 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जरूरी काम को छोड़कर बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इस बीच 15 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। जिन जिलों में एक्टिव केस 1000 से ऊपर होंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में बंद वेन्यू में 100 लोगों और खुली जगह पर 50% क्षमता की अनुमति होगी। अब पड़ोसी राज्य बिहार का रुख करते हैं और देखते हैं कोरोना का क्या हाल है। पिछले 24 घंटे में 893 मामलों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। पटना में 565 नए मरीजों से खौफ बढ़ गया है। यहाँ भी सरकार ने ताबड़तोड़ पाबंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8वीं तक के क्लास बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक के क्लास 50% क्षमता के साथ चलेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं रेस्तरां और ढाबा 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। चूंकि यहां चुनाव का सीजन नहीं है, इसलिए सभी राजनीतिक, सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों में 50 लोगों को ही अनुमति रहेगी। कुल मिलाकर यूपी और बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम जतन तो कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन, मास्क और दूरी कोरोना से जंग में है जरूरी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।